अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके इंग्लिश के लेक्चर की टीचर मिस हूँ। स्टूडेंट्स, हम रवियन लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है, हम वर्ड मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 द टॉलरेंस ऑफ द रसूल के वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन वर्ड इज हार्डशिप, मुश्किलात। द सेकेंड वर्ड इज डिस्प्ले, मुजाहिरा करना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज ट्रबल, मुश्किल या परेशानी। द फोर्थ वन वर्ड इज डिस्ट्रॉय, तबाह करना। नेक्स्ट वन वर्ड इज रिकॉग्नाइज, शनाख्त करना या पहचानना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज पेशेंस, बर्दाश्त करना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज फॉरबिडन, मना फरमाना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज मर्डर, कत्ल करना। रिवेंज, बदला। द नेक्स्ट वन वर्ड इज कॉन्क्वेस्ट, फतह। द नेक्स्ट वन वर्ड इज सोशली, मौशरती तौर पर। द नेक्स्ट वन वर्ड इज कस्टम, रिवायत। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन वर्ड इज ऑब्जेक्टेड, एतराज। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 2 आर डायलॉग के वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। डिफिशियंसी, कमी होना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज हैव, थॉट इट फिट, ठीक या बिल्कुल। द नेक्स्ट वन वर्ड इज गो इन फॉर, इंतखाब करना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज पार्टिकुलरली, खास तौर पर। द नेक्स्ट वन वर्ड इज रिकवर्ड, सेहतियाब होना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज एक्स्ट्रा, इजाफी। द लास्ट वन वर्ड इज फिनिश, खत्म। उसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 एंड एग्जीबिशन के वर्ड मीनिंग को डिस्कस किया जाएगा। द फर्स्ट वन वर्ड इज अप्रिशिएट, हौसला अफजाई करना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज मम, खामोश। द नेक्स्ट वन वर्ड इज अटर, अटर कुछ कहना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज एग्जीबिशन, नुमाइश। द नेक्स्ट वन वर्ड इज इनवाइट, दावत देना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज एक्साइटेड, पुरजोश होना या खुश होना। द नेक्स्ट वन वर्ड इज क्लैप, ताली बजाना। द लास्ट वन वर्ड इज ऑल सेट, नाउ सब कुछ ठीक होना। स्टूडेंट्स इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 मैजिक शो के वर्ड मीनिंग को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन वर्ड इज एनर्जियसली, बेचैनी। लिड, ढक्कन। द नेक्स्ट वन वर्ड इज सॉ, आरी। नेक्स्ट वन वर्ड इज चीयर्स, सराहना। एम्प्टी, खाली। ऑडियंस, आवाम। बोरोइंग, उधार लेना। पाम, हथेली। एम्यूज, हंसी भी खेलना या लुत्फानंदोज होना या महजूज होना। इनर मोस्ट, सबसे अंदर। स्टूडेंट्स इसके बाद हम वर्ड सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन वर्ड इज हार्डशिप, मुश्किलात। स्टूडेंट्स इसको सेंटेंस में यूज करेंगे। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप। रवादारी का मतलब है दर्द और मुश्किलात को बर्दाश्त करना। डिस्प्ले, मुजाहिरा करना। वी शुड डिस्प्ले गुड मैनर, हमें अच्छे आदाब का मुजाहिरा करना चाहिए। ट्रबल, मुश्किल। ही इवन प्रेड फॉर हिज एनिमीज एंड दोज हु ट्रबल्ड हिम, वो उनके लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते थे और उनके लिए भी जो उनको परेशानी में डालते थे। डिस्ट्रॉय, तबाह करना। ओह मोहम्मद, स्पीक, इफ़ यू सो विश आई विल डिस्ट्रॉय देम। ऐ मोहम्मद, कह दें अगर आप ख्वाहिश करें या कहें, आई विल डिस्ट्रॉय देम, मैं इनको तबाह कर दूँ। रिकॉग्नाइज, पहचानना। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज मी, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। पेशेंस, सब्र। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन विद पेशेंस। रवादारी का मतलब है दर्द को सब्र से बर्दाश्त करना। स्टूडेंट सेंटेंस में टॉलरेंस के बाद मीन लिखा हुआ है, आप उसके आगे एस वाइप कर लें, मीन। उसके बाद फॉरबिडन, मना फरमाना या मना करना या ममनू। रिवेंज फॉर ब्लड शेड एज वॉज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस बिफोर इस्लाम इज फॉरबिडन। रिवेंज का मतलब होता है स्टूडेंट्स इंतकाम लेना। खून रेजी,
के लिए इंतकाम लेना रिवाज था जाहिलियत के दिनों में, बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले, इस फॉरबिडन, ममनू है। स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन वर्ड इज मर्डर, कत्ल। आई फॉरगिव दोज हु मर्डर्ड माई कज़न इब्ने राबिया। मैं माफ़ करता हूँ अपने कज़न को इब्ने राबिया के कत्ल के लिए। रिवेंज, इंतकाम लेना। द रसूल नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से इंतकाम नहीं लेते थे या किसी एक से भी इंतकाम नहीं लिया। कॉन्क्वेस्ट, फतह करना। हज़रत अली वॉज कॉन्क्वेस्ट किला खैबर। हज़रत अली ने किला खैबर फतह किया। सोशली, माशर्ती तौर पर, ठीक है, या सामाजिक। सोशली वी आर गुड नेशन। सामाजिक तौर पर या माशर्ती तौर पर हम अच्छी कौम हैं। कस्टम, रिवायत। द कस्टम्स ऑन दैट प्रोडक्ट आर वेरी हाई इन माई कंट्री। इन प्रोडक्ट्स पर कस्टम हमारे मुल्क में बहुत ऊंची है। हमारे मुल्क में या मेरे मुल्क में इन प्रोडक्ट्स पर कस्टम बहुत ज़्यादा है, ऊंची है। ऑब्जेक्टेड, एतराज़ करना। दे ऑब्जेक्टेड दैट द रूल्स वर अनफेयर। उसने एतराज़ किया कि ये असूल बहुत ज़्यादा गैर मुनसफाना थे या हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद द नेक्स्ट वर्ड इज़ अप्रिशिएट, हौसला अफजाई करना। माई टीचर अप्रिशिएट मी ऑन माई गुड वर्क। मेरी उस्तानी ने मेरे अच्छे काम पर मेरी हौसला अफजाई की। मम, खामोश रहना। असलम मम ऑल द टाइम इन द क्लास। असलम तमाम वक्त क्लास में खामोश रहा। अटर, कुछ कहना। ही हैड नॉट अटर्ड अ वर्ड ऑल दिस वर्ड। उसने इस तमाम वक्त में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। एग्जीबिशन, नुमाइश। ऑल द स्टूडेंट्स इंजॉयड द एग्जीबिशन। स्टूडेंट्स, इंजॉय का मतलब होता है लुत्फ़ अंदोज़ होना। तमाम तालबे इल्मों ने नुमाइश से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। इनवाइट, दावत देना। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट्स इन द एग्जीबिशन। अपने वालदैन को नुमाइश पर दावत देना मत भूलना। एक्साइटेड, पुरजोश होना या खुश होना। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टुडे। बच्चे आज बहुत पुरजोश थे। क्लैप, ताली बजाना। दे ऑल क्लैप बिकॉज दे इंजॉयड द एग्जीबिशन। उन सब ने तालियां बजाईं क्योंकि उन्होंने नुमाइश से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। ऑल सेट नाउ, सब ठीक होना। इट सीम्स ऑल सेट नाउ, ऐसा दिखाई देता है कि सब तैयार है या सब ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टॉलरेंस, रवादारी का क्या मतलब है। टॉलरेंस मीन्स टू बियर पेन और हार्डशिप विद पेशेंस। रवादारी का मतलब है मुश्किलात और दर्द को सब्र से बर्दाश्त करना। इट ऑल्सो मीन्स यू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक, और उन चीज़ों को बर्दाश्त करना जो आप पसंद नहीं करते। स्टूडेंट्स, द सेकेंड क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द लाइफ ऑफ द रसूल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रवादारी की मिसाल दें। स्टूडेंट्स, आंसर है एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, द रसूल नॉट ओनली फॉरगेव अबू सुफियान बट आल्सो ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस। फतह मक्का के मौके पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ अबू सुफियान को माफ़ कर दिया बट आल्सो ऑनर्ड हिम, बल्कि उन्हें इज्जत दी या इजाज़ दिया बाई डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज, उनके लिए जिन्होंने, और उन सब को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने उनके घर में पनाह ली। ठीक है, रिफ्यूज, स्टूडेंट्स पनाह लेना। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द रसूल रिस्पॉन्ड टू द
ill treatment of the people of Thai students. Ill treatment का मतलब होता है ख़राब रवैया या गलत रवैया. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के ख़राब रवैये का क्या जवाब दिया या क्या कहा, क्या रद्दमल था, कैसा रद्दमल था. स्टूडेंट्स आंसर है व्हेन द रसूल वेंट टू टाइफ टू प्रीच इस्लाम. प्रीच का मतलब तबलीग देना. जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए टाइफ गए, द पीपल देयर थ्रू स्टोन्स एट हिम, वहाँ के लोगों ने उन पर पत्थर फेंके. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम asked for Rasul permission to destroy them, but he forgave them. Hazrat Jibrail alayhi salam ne ijazat mangi pyare nabi se ki main unhe tabah kar dun, but he lekin unhone maaf kar diya. Hopefully students aapko aaj ka lecture, revision lecture acche se samajh aa chuka hoga. Aapne सिलेबस को, सारे तमाम सिलेबस को अच्छे से रिव्यू करना है. आपके 1 सितंबर से ऑनलाइन पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, जिनके टोटल मार्क्स 50 होंगे. ईच कॉन्टेन, ईच MCQ कॉन्टेन 2 मार्क्स. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई चीज़ या कोई इशू फेस करना पड़ रहा है तो आप ज़रूर पूछें या स्कूल ऑफिस आकर रابطہ करें. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.